अदाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे ओम शांति शांति शांति। चलो भाई, नमोदर पंचदशी ग्रंथ के तृप्ति दीपा प्रकरण है, इसमें षष्ठ श्लोक का ऊपर विचार हुआ। नहीं, षष्ठ श्लोक हो गया, ठीक है। तो साधिष्ठानो विमोक्षादु जीवो अधिक्रियते, न तो केवल जीव में अधिष्ठान सभी होता है। घट के जल में जो आकाश है ना, प्रतिबिंबित आकाश, उसमें सामान्य आकाश भी रहता है, सामान्य आकाश भी रहता है। नहीं, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान को छोड़ करके नहीं रह सकता है ना, क्योंकि भ्रांति है ना, जीव भाव तो भ्रांति है, बिना अधिष्ठान से भ्रांति नहीं होती। इसलिए कहा निरधिष्ठान विभ्रांति क्वापि असिद्धित है ना, बिना अधिष्ठान के भ्रांति कहीं भी सिद्धि नहीं होती है, समझ में कि नहीं। अर्थात बुद्धि कल्पित है, बुद्धि बुद्धि में प्रतिबिंब और उसमें अधिष्ठान अंश है, ठीक है ना, तीनों को लेकर के ही जीव होता है। ये श्लोक याद है, पहले आया द्वैत विवेक प्रकरण में, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च य पुनः चित्छाया लिंग देहस्थो तत्संघो जीव उच्यते, ये जीव होता है। पहला आया द्वैत विवेक प्रकरण में, देखिएगा द्वैत विवेक प्रकरण में ये है जीव के ऊपर, है ना। अब देखो सप्तम श्लोक चलेगा, सप्तम श्लोक प्रकरण क्या है, तृप्ति दीप प्रकरण। इदानीं साधिष्ठानस्यैव तस्य संसारादि अनैतृत्वं श्लोकद्वयेन विभज्य दर्शयति। बोलते हैं कि साधिष्ठानस्यैव, अधिष्ठान के जो साध रहता है उसको बोलते हैं साधिष्ठान। क्या कहते हैं? साधिष्ठान, है ना। अधिष्ठान है सत्य पदार्थ, जैसे सर्प है अध्यस्त है, उसमें अधिष्ठान अंश का यह अंश, यह सर्प, तो सर्प में यह अंश भी रहता है, बराबर है कि नहीं। इसलिए अधिष्ठान के साथ जो अध्यस्त है जीव है कि नहीं, वो होता है संसारी, वो होता है संसारी। इसलिए कहते हैं तस्य संसारी, हैं संसार आदि, संसार है ना, तो सारा का सारा पहले आता है ना, जागृत आदि विमोक्षांत संसारो जीव कल्पित, कहा कि नहीं चौथा श्लोक में, जागृत सपना सुसुप्ति हैं जो है बंधन, ठीक है ना, साधन मुक्ति, ये सब जीव के द्वारा कल्पना है। इसलिए संसार आदि, संसार आदि अनैतृत्व, संसार आदि का अन्वय जीव में होता है। कैसा जीव? अधिष्ठान से युक्त जो जीव है, बराबर है कि नहीं। हाँ, और मुक्ति जो होती है ना, तो जीव भाव नहीं रहता है, जीव भाव नहीं होता है और अधिष्ठान अंश रहता है कि नहीं। तो अधिष्ठान अंश को लेकर के मुक्ति की अनुभूति हो जाएगी, समझ में आया। और बंधन जो है वो जीव को होता है, अधिष्ठान को लेकर के जो चिदाभास है जीव, उसमें बंधन आदि सब होता है, समझ में। जहाँ पर जो मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति है, उसका अनुभव अधिष्ठान करता है, कौन करता है? अधिष्ठान, क्योंकि जीव भाव नहीं रहा, अधिष्ठान अंश तो रहेगा, वो अधिष्ठान अंश मैं हूँ, अधिष्ठान अंश क्या हो, मैं हूँ,
समझ में ना, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं, चलो श्लोक द्वेना विभज्य दर्शयति, दो श्लोक को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है। थोड़ा पंखा एक पॉइंट कम कर, हाँ बस बैठो। सात नंबर श्लोक है, अधिष्ठानांश संयुक्तम ब्रह्मांत। अच्छा श्लोक देखिए, अधिष्ठानांश संयुक्तम ब्रह्मांशमवलम्बते यदा तदाहं संसारी तेवं जीवोभिमन्यते। सात नंबर श्लोक है, कहते हैं कि भाई यदा, जब है ना, अधिष्ठानांश संयुक्तम भ्रमांशम अवलंबते, ये श्लोक हो गया था मेरे ख्याल से, नहीं हुआ था? हो गया था सात नंबर श्लोक, नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं। तो बोलते हैं कि अधिष्ठान के साथ जो अंश है ना, कौन है? ब्रह्मांश। अधिष्ठानांश संयुक्तम मतलब अधिष्ठान को मिला करके जो ब्रह्मांश होता है, समझ में ना, मतलब बुद्धि में प्रतिबिंबित जीव चिदावास, ये हो गया ब्रह्मांश, ये हो गया ब्रह्मांश। जदा अवलंबते, उसी को जो स्वीकार करता है, अवलंबते का अर्थ स्वीकार करता है कि यही मैं हूँ, यही बुद्धि में जो चिदावास है ना, उस चिदावास को मैं मानता है, मतलब मिला करके, ये तात्पर्य। अधिष्ठान अंश भी रहेगा और उसमें हो गया भ्रम अंश, कौन? बुद्धि प्रतिबिंबित चिदावास, ये हो गया भ्रम अंश, वो चेतन नहीं है, वो चेतन की तरह दिखता है। उसी को जब स्वीकार करता है अवलंबते, मतलब मैं के रूप से मानता है, समझ में कि नहीं, ठीक है। तो तदा अहम संसारी, देखो अनुभव कैसा होगा कि जो है मैं संसारी हूँ, मैं संसारी, क्योंकि बुद्धि के धर्म को अपना धर्म मान लेता है, बुद्धि के धर्म को सुख दुख राग द्वेष ये सारा जो है वो बुद्धि का धर्म है, काम हो संकल्प हो श्रद्धा अश्रद्धा धीर भीर इत्यतन सर्वम मनः, श्रुति बोलती ये सब किसका धर्म है? मन का है, बुद्धि का धर्म, उसी के धर्म को अपना धर्म मान लेता है। तदा अहम संसारी, मैं संसारी हूँ ये मानता है, समझ में ना, कौन मानता है? जीव मानता है, इति एवं जीवो अभिमन्यते, जीव ही मानता है और क्या, ठीक है नारायण, ऐसा हुआ। इसलिए संसार किसका धर्म हुआ? जीव का धर्म है कि नहीं, लेकिन अधिष्ठान के साथ जीव, मतलब अपने स्वरूप अधिष्ठान को छोड़ नहीं सकता है, ऐसे समझ में ना, ठीक है। चलो टीका थोड़ी सी ले लो, जीवो यदा, यदा जीव अधिष्ठानांश संयुक्तम कुटस्थ सहितम भ्रमांशम, अधिष्ठान अंश से संयुक्त कौन है? हैं, भ्रमांश हो गया। श्लोक में आया अधिष्ठानांश संयुक्तम, इसका अर्थ बोल रहे कूटस्थ सहितम भ्रमांशम, कूटस्थ के साथ जो भ्रमांश है, मतलब मिला करके अधिष्ठान को मिला करके जो भ्रम अंश हुआ, अध्यस्त अंश हुआ, बुद्धि और बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास, ये हो गया भ्रमांश, ये हो गया भ्रमांश, है ना। एक तो कहते हैं
जीवो यदा अधिष्ठानांश संयुक्तम कूटस्थ सहितम ब्रह्मांशम, है ना, मतलब चिदाभास उपेतम। ये देखो चिदाभास है उसमें ना, चिदाभास युक्त। और चिदाभास कहाँ पर है मालूम है? दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर है? दर्पण में दिखता है। और चिदाभास कहाँ पर दिखता है? बुद्धि में, बुद्धि में। लेकिन केवल बुद्धि को लेकर के जीव भाव नहीं होता है, उसमें कौन स्थूल शरीर भी होता है। ये बोलते हैं शरीर द्वयम अवलंबते, चिदाभास से युक्त हो गया शरीर द्वय, कि नहीं। और सुषुप्ति में तो संसारी भाव है, भान होता नहीं, परमात्मा के साथ एक हो गया। परमात्मा के साथ जब एक हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर तो संसारी भाव तो होता नहीं, ना सुख है ना दुख है। वहाँ पर तो अविद्या में प्रतिबिंब तो सुख को अनुभव करता है, बराबर है कि नहीं। वहाँ पर क्या है? संसारी भाव नहीं है, विक्षेप नहीं ना वहाँ पर, वहाँ पर विक्षेप नहीं है। कहाँ पर? सुषुप्ति में विक्षेप नहीं है। इसलिए शरीर द्वयम अवलंबते, शरीर द्वय को स्वीकार करता है। स्वीकार करता है कुछ नहीं है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप। चिदाभास युक्त शरीर कह लो, शरीर युक्त चिदाभास कह लो, कि यही मैं हूँ, ठीक है ना। तो सशरीरत्व स्वस्वरूपत्वेन स्वीकरोति तदा है अहम संसारी, मैं संसारी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा मान लेता, अभी मन्यते। समझ में कि नहीं आया? चलो आगे देखा जाए, 8 नंबर श्लोक। आठ नंबर श्लोक कहा जा रहा है, ब्रह्मांशस्य तिरस्कारा दधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्माह मसंगोस्मीति बुध्यते। बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जदा भ्रमांशस्य तिरस्कारात, है ना, जो भ्रमांश होते हैं, भ्रमांश शरीर, शरीर में चिदाभास, ये हो गया भ्रमांश। उसको जो तिरस्कार कर लेता है, क्या कर लेता है? तिरस्कार, तिरस्कार कुछ नहीं है, ये क्या है? मिथ्या है। शरीर, शरीर आदि में होने वाला जो व्यवहार है, ये वास्तविक सत्य नहीं है, ये तो क्या है? मिथ्या है। इसलिए शरीर में जो मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है ना, फिर शरीर में जो है ना, जो है अध्यास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाँ, शरीर के प्रति मोह नहीं होता है, शरीर में सजावट नहीं होता है। फिर सुनते हो, जहाँ पर शरीर में सजावट हो रहा है, समझ लो शरीर के पोषण में जो लगा है, समझ लो कि शरीर में मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है। समझ में बात को? इसलिए हमारे महात्माओं की परंपरा में क्या है, जैसे मुंडो बोल दिया, क्या कह दिया? मुंडो अपरिग्रह बोल दिया, मुंडा, मुंडा बोले क्या? मुंडन कर दो, क्या कर दो? समझ में ना। आप पहले जमाने में जो जटा वगैरह अभी भी रखते हैं, बाल रखते हैं, जटा रखते हैं, अरे भी साधन नहीं है, काटने का साधन नहीं, तो बाल बढ़ने दो, क्या आपत्ति है? और साधन मिल गया तो उसको काट दो, काट दो, मतलब ऐसा नहीं कि उसको सजाओ, हैं, मुझ को सजाओ, दाढ़ी को सजाओ। आजकल हैं बाल रखते हैं, दाढ़ी हैं जो है दाढ़ी काट देते हैं, ये आजकल परंपरा हो गई। समझ में ना, जो शरीर को जो इतने में पोषण में लगा है, तो समझ लो कि शरीर में मिथ्यात्व का निश्चय कहाँ है? मिथ्यात्व का निश्चय। और मुंडन करने के लिए तो कहा गया, ऐसा नहीं कि उसको रोज मुंडन करते रहो, ये भी नहीं।
शास्त्र कह दिया कि मुंडन कर लो, महात्मा के लिए कहा मुंडो कह दिया। इसका अभिप्राय नहीं कि रोज उसको मुंडन करो, चकाचक करो मोबाइल में टीवी में आने के लिए, कथा करने के लिए। ये क्या शरीर में मिथ्यात्व का निश्चय है? बोलो, शरीर में मिथ्यात्व का निश्चय है तो शरीर में इतनी आसक्ति कैसे होगी? और शरीर में यदि आसक्ति है तो सजाने में लगा है तो समझ लो कि शरीर में अभी मिथ्यात्व की बुद्धि नहीं है। बस में शरीर को सजाड़ में लगा है, इधर जो है वैराग्य का व्याख्यान कर रहा है। स्वयं शरीर में इतना मोह रखता है और व्याख्यान किसका कर रहा है? वैराग्य का व्याख्यान कर रहा है। ये तो धोखा दे रहे हो अपने आप को। भगवान भाष्यकार कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मानं दिदृक्षति, है ना? और ग्राहम दारु धिया धृत्वा नदी तर्तुम सैच्छति। जो शरीर के पोषण में लगा है, शरीर के पोषण में लगा है। शरीर चाहिए साधन, ये नहीं चाहिए हम नहीं कह रहे हैं। शरीर तो साधन है, ऐसा नहीं कि शरीर केवल सजाने में रहना है। शरीर के पोषण में ही जो हमेशा निरंतर लगा है, शरीर पोषणार्थी सन। और इधर क्या है? यह आत्मानं दिदृक्षति, और हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, हमको मुक्ति हो जाए। शरीर को सजाने में लगे हो, इधर बोलते कि हमको मुक्ति हो जाए, तो कहाँ मुक्ति की इच्छा है? उसका तो ऐसा हाल होगा, भगवान कहते हैं भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में, जैसे ग्राहम दारु धिया धृत्वा। ग्राह जानते हैं मगरमच्छ, नदी के उस पार जाना चाहता है और मगरमच्छ को क्या समझ लिया? दारू, लकड़ी समझ लिया। लकड़ी के वह बैठ करके उस पार जाना चाहते हैं तो क्या हाल होगा उसका? बीच में डूबा देगा वो। सच में है, ठीक है नारायण? इसलिए विचार करना चाहिए भी शरीर, शरीर का धर्म ये क्या सत्य है कि मिथ्या है? ये तो मिथ्या है, सच में है ना? ये शरीर में मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, यही तिरस्कार हो गया। ठीक है, अगर बताएंगे ये जो भ्रमांश, भ्रमांश हो गया शरीर, शरीर में होने वाला व्यवहार, यह मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। इसलिए भ्रमांशस्य तिरस्कार, तिरस्कार जब कर दोगे ना तो क्या शेष रहेगा? अधिष्ठान शेष रहेगा। मैं तो इसका अधिष्ठान हूँ, बस मैं तो इसका साक्षी हूँ। किसका? शरीर के, शरीर के धर्म का, व्यवहार का मैं तो क्या है? साक्षी हूँ। समझ में ना? तब जब जाकर के अधिष्ठान में प्रधानता आएगी, समझ में कि नहीं? अध्यस्त अंत में मिथ्यात्व का निश्चय कर देने पर अधिष्ठान में क्या आएगी? प्रधानता आएगी। नहीं तो प्रधानता कहाँ आएगी? शरीर को आप मैं मानते रहे हो और व्यवहार करते रहते हो, आई तक कहते अहम ब्रह्मास्मि, तो अधिष्ठान में कहाँ प्रधानता है? अधिष्ठान में प्रधानता हुई? प्रधानता कब हुई? कि शरीर, शरीर के व्यवहार को यदि आप मिथ्यात्व का मिथ्या मानते हो का निश्चय करते हो, तब जाकर के अधिष्ठान प्रधानता। यदा जब अधिष्ठान में प्रधानता होगी, मतलब अधिष्ठान अंश मैं हूँ, बराबर है कि नहीं? तदा तब यही ज्ञान होगा उनको। देखो, चिदात्मा अहम असंगो अस्मि इति बुद्धते, है ना? वो चित्त स्वरूप जो अधिष्ठान साक्षी, वही मैं हूँ, मैं तो असंग हूँ, ऐसा वो जानता है। समझ में आया कि नहीं? आया? ये श्लोक दो, कितना सुंदर लिख रहे हैं, ठीक है। जदा पुनर्भ्रमांशस्य, देखो नारायण, देहद्वय सहितस्य चिदाभासस्य, ठीक है, दो शरीर से युक्त हो गया चिदाभास, बात समझ में? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये विचार करना पड़ता है। जैसे नहीं तो व्यवहार, विचार जब नहीं करेगा ना इसी में ही लगा रहेगा वो, विचार जब नहीं करेगा इसी में लगा रहता वो, मान सम्मान, मान सम्मान, कहीं मान सम्मान मिल रहा है तो मान सम्मान जो दे रहा है किसको दे रहा है?
सामने वाला जो मान सम्मान दे रहा है ये विचार तो करो, हैं ये आपके शरीर को दे रहा है कि आपकी आत्मा को दे रहा है, बोलो। क्या कह रहे हैं आप, किसको दे रहा मान सम्मान? आपके शरीर को मान सम्मान दे रहा है कि आत्मा को दे रहा मान सम्मान? आपकी आत्मा को, आपके स्वरूप को, बोलो। आपके स्वरूप को दे रहा है शरीर को जो दे रहा है तो आपकी आत्मा हो गई, हो जी, आपकी आत्मा, आपका स्वरूप हो गया ना, फिर वो देने वाला ही आपका स्वरूप हो गया, फिर तो आपकी आत्मा को कहाँ दे रहा है? अच्छा शरीर को दे रहा है, अच्छा चलो शरीर को ये दे रहा है तो वो तो आपका मित्र हो गया फिर, क्या समझ? क्या आपका शरीर क्या है? अनात्मा है। क्या है? आपका शरीर अनात्मा। आपकी दृष्टि यदि, हाँ आपकी दृष्टि अधिष्ठान में है, अनात्मा में नहीं है, तो अनात्मा को क्या समझ रहे हो आप? हाँ मिथ्या समझ रहे हो गया ना। यदि आप आपके शरीर को अनात्मा समझ रहे हो, मिथ्या समझ रहे हो, और आपकी अनात्मा शरीर को यदि कोई मान सम्मान दे रहा है तो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? नहीं नहीं वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? सही कर रहा है ना। नहीं नहीं आपकी दृष्टि से बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ में आ रहा आपको। आप अपने शरीर को अनात्मा समझ रहे हो और इसको मिथ्या समझ रहे हो, ठीक है। और देने वाला यदि आपके शरीर को दे रहा है हाँ, तब तो अच्छा कर रहा है ना फिर, बस समझे नहीं? क्योंकि आप तो आपका मित्र हो गया, जैसे आपकी बुद्धि है वो करने वाले की बुद्धि भी समान हो गई, तो मित्र हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया है? अच्छा आपको कोई डांट रहा है, मान लो कि आपको कोई डांट रहा है, यदि आपके शरीर को डांट रहा है, समझ में ना, तो आपका मित्र हुआ कि शत्रु हुआ? कहाँ शत्रु हुआ, मित्र हुआ हो, क्योंकि आपकी दृष्टि भी शरीर में है, मतलब शरीर अनात्मा है, शरीर मिथ्या है, और देने वाला भी ऐसा समझ रहा है, तो समझ लो कि वो आपका मित्र हो गया, शत्रु कहाँ हुआ? ये विचार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आया समझ में? विचार करना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा है सब विचार कर लो क्या कह रहे हो फिर बाद में समझा देंगे, ठीक है। ये करना पड़ता है, हो गया ना। तो अधिष्ठानाभूतस्यैव कुटस्थस्य स्वरूपत्वं जीवेन स्वीक्रियते, बराबर ना। तो जीव जब विचार किया नारायण, तो अधिष्ठान भूत जो है कुटस्थ, वही अपना स्वरूप है, बराबर है कि नहीं? हाँ ये क्या बोलते हैं, टीका नहीं हो रही थी क्या? हाँ टीका शुरू से ले लो। यदा पुनर् ब्रह्मांशस्य देहद्वय सहितस्य चिदाभासस्य तिरस्कारात्, श्लोक में आएगा तिरस्कार। ये तिरस्कार क्या होता है? मिथ्यात्व ज्ञानेन अनादरणा, मिथ्यात्व बुद्धि से उसका अनादर हो गया। क्या हो गया? हाँ मिथ्या को मिथ्या समझ लो, वही उसका अनादर है, बात समझ में? ये शरीर, शरीर में होने वाला व्यवहार जो है ना, ये मिथ्या है। मिथ्या का निश्चय हो गया तो उसका अनादर हो गया, उपेक्षा हो गई शरीर की, मुर्दा हो गया ना वो। आपका शरीर क्या हो गया? मुर्दा हो गया। चाहे मुर्दा को माला पहनाओ, चाहे उसको जो है डांटो, क्या फर्क पड़ता है? मुर्दा को चाहे माला पहनाओ चाहे क्या करो, तो आपकी दृष्टि से मुर्दा हो गया ना शरीर, क्योंकि शरीर मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, और क्या है कि नहीं? तो अनादर होने पर ही आपकी बुद्धि में प्रधानता होगी, किसकी? अधिष्ठान की। ये बोलते हैं अधिष्ठान प्रधानता, मतलब अधिष्ठान भूतस्यैव कुटस्थस्य स्वरूपत्वं जीवेन स्वीक्रियते। अधिष्ठान स्वरूप जो कुटस्थ है वही मेरा स्वरूप है, जब जीव स्वीकार करता है, निश्चय कर लेता है ना, तब क्या ऐसा ज्ञान होता है उनको? तदा अहम चिदात्मा असंगश्च अस्मीति बुद्धते जानते, मैं तो चित स्वरूप हूँ, शरीर शरीर के है ना व्यवहार को मैं तो प्रकाशित कर रहा हूँ, जानता हूँ, इसलिए उससे मैं भिन्न हूँ, मेरे में सब कल्पित है, ठीक है।
मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो स्वामी जी जो बोल रहे थे, जो शरीर में जब अनात्म निश्चित हो गया, निश्चित हो तो गया, उस समय ये शरीर का कोई मान दे रहा है, संबंध दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो समझ लो कि मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है। फर्क पड़ता है तो समझ लो कि हमको मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है। कि नहीं, कोई स्तुति करता, हाँ भगत जी बहुत अच्छा है, कोई स्तुति करता है आपकी तो भगत जी बहुत अच्छे हैं, आ स्तुति नहीं करता है तो इनको तो आता नहीं कुछ, तो फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। यदि फर्क पड़ रहा है तो समझ लो कि हमारी कहाँ, हमारा कहाँ मिथ्यात्व का निश्चय शरीर में। बहुत विचार करना पड़ता है, ज्ञान इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलो नौ नंबर में, ननो अधिष्ठान चैतन्यस्य, अधिष्ठान चैतन्यस्य, नौ नंबर श्लोक में अधिष्ठान हो गया चेतन नारायण। ठीक है, तो जीव स्वरूपत्व स्वीकारे, है ना, इसलिए जीव का स्वरूप हो गया अधिष्ठान चेतन। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? अधिष्ठान चेतन। जब ऐसा आपने स्वीकार किया तब तो चित आत्मा अहम असंगो अस्मि इति बुध्यते, तो चित स्वरूप आत्मा में असंग हूँ, है कि नहीं, ऐसा जानता है। कौन जानता है? जीव जानता है, कह रहे हो। इति यद उक्तम, जो बात आपने कही भई तत् अनुपन्नम, वो तो हमको बैठता नहीं, वो ठीक नहीं है, वो प्रामाणिक नहीं है। तो कहने मात्र से कैसे प्रामाणिक हो? कुछ भी कह देंगे तो प्रामाणिक हो जाएगा। वो तो शराबी बोलता है कि मैं राजा हूँ, तो राजा हो जाता है, हाँ? तो नहीं ना होता है, क्योंकि बाद हो जा रहा है, नशा उतरेगा तो वही फिर भीख मांगेगा, नशा उतर जाएगा। इस बगैर तुमको जो शास्त्र की नशा है जानते नहीं, तुम बोल दिया कि जो है इसलिए तुम्हारा वाक्य प्रामाणिक कैसे होगा? असंग चिद रूपस्य कुटस्थस्य अहम प्रत्यय विषयत्व अभावात्, पूर्व पक्ष कहना है असंग चित स्वरूप जो कुटस्थ चेतन है, क्योंकि अहम प्रत्यय विषयत्व अभाव, क्योंकि अहम प्रत्यय अहम जो रूप से जो ज्ञान हो रहा है इसका विषय तो असंग चित स्वरूप कुटस्थ होगा नहीं, ज्ञान कैसे होगा भाई? हाँ, ज्ञान का विषय तो असंग चित स्वरूप आत्मा है ही नहीं, तो कैसे जानेगा फिर मैं चित स्वरूप हूँ, असंग हूँ, कुटस्थ ब्रह्म हूँ, कैसे होगा? उपासना में ना, है ना, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, उपासना हो सकती है, जीव उपासना करेगा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, जैसे जीव मैं हिरण्यगर्भ हूँ, हिरण्यगर्भ थोड़ी है वो, नहीं ना है, फिर भी उपासना करता हो। इसी प्रकार जीव ब्रह्म नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं है, उपासना कर सकता हो, उपासना ये मानस वृत्ति है, तो कौन करेगा? जीव करेगा। ये कहना चाहता है, मतलब कूटस्थ ब्रह्म अहम ऐसे ज्ञान का विषय नहीं होता है, ये शंका है। जब ज्ञान का विषय है ही नहीं तो फिर ज्ञान कैसे होगा? मैं ब्रह्म हूँ, कूटस्थ हूँ, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ये शंका है। देखो नौ नंबर श्लोक में, ना संगे हम कृतिर्युक्ता कथम अस्मीति चेत छुणो, एको मुख्यो द्वाव मुख्या वित्यर्थस्त्रिविधो हमः। ये विचारणीय है। पूर्वार्ध में हो गया शंका, असंगे अहम कृतिर न युक्ता, ऐसा करना है भाई। असंग जो ब्रह्म है अधिष्ठान, अहम कृति, अहम ऐसा ज्ञान, अहम ऐसा ज्ञान, ज्ञान का विषय तो कुटस्थ असंग ब्रह्म होगा नहीं, वो चित स्वरूप कह रहे हो ना, जो चित स्वरूप है वो ज्ञान का विषय कैसे होगा? फिर अहम जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान का विषय जीव तो हो सकता है लेकिन ब्रह्म तो कुटस्थ नहीं होगा, है ना,
इसलिए कथम अस्मि, पहले मैं ब्रह्म हूँ, असंग हो, ये ज्ञान कैसे हो गया बताओ। ठीक है, मतलब ज्ञान की, ज्ञान का विषय होने में योग्यता नहीं है। कूटस्थ ब्रह्म में अहम ऐसे ज्ञान का विषय होने में योग्यता नहीं है, समझ में। जैसे घट चक्षु का विषय में योग्य है कि नहीं, घट चक्षु से होने वाला ज्ञान का विषय होगा, ये घड़ा है, ये है, लाल है, काला है, मोटा है, हम बोलते आकाश को देखो, आकाश को चक्षु से देख सकते हैं, आकाश चक्षु से नहीं दिखता है, वो आकाश में जो है मेघ दिखता है, मेघ का रूप दिखता है, आकाश नहीं दिखता है, बाजू दिखता है, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है। इसमें अहम जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान की विषयता शुद्ध ब्रह्म में नहीं है, ये कहना चाहते हैं। जब ज्ञान की विषयता है ही नहीं, मतलब ज्ञान की योग्यता जब है ही नहीं, है ना, तो फिर अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान कैसे होगा, पहले योग्यता तो हो, बस में ही नहीं आगे ऐसा है। इति चेत, ऐसा यदि कहा जाए तो सुनो, सुनो तुम, वो तो सुन ही रहा है, मतलब जो कहने वाले हैं उसको तुम चित्त को एकाग्र करके सुनो, ये तात्पर्य है। सुनो 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 कहा था, सुनो मतलब चित्त को एकाग्र करो, ये तात्पर्य है कि नहीं। आप पहले जो समझे हो ना उसको छोड़ो संस्कार को, अभी जो बता रहे हो उसको पकड़ो, क्योंकि लोग पूर्व संस्कार को छोड़ना ही नहीं चाहते ना, ये कैसे होगा समझिए, बस उसी में लगा रहता है। अरे कैसे होगा उसको तुम छोड़ो, पहले जो नहीं होगा कह रहे हैं ना उसको छोड़ो, और अभी जो गुरु जी कह रहे हैं उसको तुम पकड़ो। लोग पकड़ना नहीं चाहते हैं ना, छोड़ना नहीं चाहते हैं पहले को, पहले संस्कार को छोड़ोगे तब तो समझ में आएगा आपको, सबसे बड़ी परेशानी ये होती है नहीं, पूर्व संस्कार को हम छोड़ना नहीं चाहते ना। सुनो बोल दिए, देखो कैसे सिद्धांत कह रहे हैं, एको मुख्यो दो अमुख्यो, ऐसा विच्छेद करना, ठीक है। अहम जो ज्ञान होता है, ठीक से सुनिए जो कह रहा है, अहम जो ज्ञान होता है, अहम मैं, हिंदी में क्या कहेंगे, मैं करके जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, इसका विषय तीन है, कितने हैं, तीन कह रहे हैं। एक हो गया मुख्य, अहम शब्द का एक है मुख्य अर्थ, कौन है आगे बताएंगे, अभी बुद्धि ना लगाओ, लोग बोलते उसी में बुद्धि लगा दे, एक कौन है, दो कौन है, उसको छोड़ो, है ना, पहले इतना समझो, याद कर लो कि अहम जो होता है शब्द का प्रयोग, उसका तीन विषय है, कितने विषय है, तीन, एक हो गया मुख्य और दो अमुख्य, दो मुख्य नहीं है अर्थ, तो कितने अर्थ हो गए, तीन, अहम शब्द के अर्थ तीन होते हैं, एक हो गया मुख्य और दो होते हैं अमुख्य, मतलब गौण, दो अर्थ गौण होते हैं, इसलिए कहते हैं ना, इत्यर्थ त्रिविदो हमः अहम, अहम शब्द का षष्ठी एक वचन अहमः, अस्मत का नहीं, अहम, अहम शब्द का षष्ठी एक वचन क्या है, अहमः, मतलब अहम शब्द का, अहम का अर्थ अहम शब्द का, कितना अर्थ है, तीन, त्रिविदो अर्थः, समझ में नारायण। चलो अगले श्लोक से बताएंगे तीन अर्थ क्या क्या है, टीका देख लीजिए। असंगे चिदात्मनि, असंग हो गया चितात्मा, चितात्मा तो अविषय, आपके पुस्तक में क्या है, विषय है कि अविषय है, अविषय करो उसको, जिसके पुस्तक में विषय है उसको करिएगा अविषय। हाँ हाँ भगवान, आपकी टीका में क्या है, असंग असंग चिदात्मनि के बाद क्या है, अविषय, हाँ ठीक है, अविषय पाठ ठीक है, ठीक है। चीज स्वरूप जो असंग है ना, वो तो अविषय वाला है ना, पूर्व पक्ष, वो किसी का विषय नहीं है, अविषय अहम प्रत्यय न युज्यते, पूर्व पक्षी है भाई, अहम प्रत्यय कैसे होगा, अहम ऐसा ज्ञान कैसे होगा, चित्त स्वरूप आत्मा को तो विषय ही नहीं है, ये बोलते हैं, यह तो मतलब क्योंकि, क्योंकि अहम ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता चिदात्मा का, अतः कथम अहम अस्मि, ये जीव फिर कैसे जानेगा बताओ,
मैं ब्रह्म हूँ, अचित स्वरूप हूँ, असंग हूँ, कैसे होगा? वो तो उपासना भले ही हो सकती है, लेकिन ये ज्ञान तो नहीं हो सकता ना। उपासना भले करे, मैं ब्रह्म हूँ, चित स्वरूप हूँ, असंग हूँ, ज्ञान तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये बोलते है ना, इति जानियात, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे कैसे जानेगा वो? तात्पर्य न कथम अपि, जान ही नहीं सकता वो, ये कहना मतलब, क्योंकि ज्ञान की योग्यता उसमें है ही नहीं। कहाँ पर? शुद्ध ब्रह्म में, मतलब शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता मैं के रूप से, बराबर है। इसका उत्तर क्या दिया? एको मुख्यो दौ अमुख्यो, विच्छेद करेंगे कैसे? दौ अमुख्यो इति अर्थ त्रिविध अहम, ऐसा विच्छेद करना है। मुख्यो मतलब क्या? मुख्यया वृत्तिया, मतलब शक्ति वृत्ति से, टिप्पणी में दे दिया शक्ति वृत्ति है। शक्ति वृत्ति कैसे? जैसे शक्ति वृत्ति ऐसे समझ लो, जैसे जंगल में शेर है, जंगल में क्या है? शेर है, ये मुख्य अर्थ हो गया शक्ति, ये क्या बोलते सिंह का है, और अन्य सिंह है, ये सिंह शब्द का क्या होगा? मुख्य अर्थ हो गया। अब बच्चा बहुत तेज है तो क्या बोलता है? अरे ये शेर है, वहाँ पर शेर शब्द का मुख्य अर्थ हुआ नहीं हुआ? अमुख्य हुआ। इतना आया समझ में? मुख्य क्या, अमुख्य क्या है? शक्ति वृत्ति से जो प्रयोग किया जाता है जिस अर्थ का, उसको बोलते हैं मुख्य अर्थ, और अन्य सिंह, ये मुख्य अर्थ हो गए। और सिंह मानव को, ये बच्चा शेर है, ये मुख्य नहीं हुआ, अमुख्य हो गया। इतना आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से कह रहे हैं, है ना। तो मुख्यया वृत्तिया अहम प्रत्यय विषयत्व अभाव है, अहम ऐसा जो ज्ञान है इसका विषय, इसका विषय मतलब मुख्य अर्थ, वो शुद्ध ब्रह्म तो नहीं होता है, शुद्ध ब्रह्म नहीं होता है। न होने पर भी लक्षणया तदस्ति, लक्षणा से तो हो सकता है। जैसे बालक में सिंह शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? लक्षणा से हो गया, गौणी लक्षणा से हो गया। जैसे लक्षणा से जो अर्थ होता है वो मुख्य नहीं होता है, और बिना लक्षणा से जो होता है वो मुख्य होता है। इतना है, ये तात्पर्य इसका, ठीक है। चलो, इति विवक्षु, ऐसा कहना चाहते हैं विवक्षु, कौन चाहते हैं ऐसा? विद्यारण्य नहीं, भारती तीर्थ, भारती तीर्थ ऐसा। अहम शब्दार्थम तो, अहम शब्दार्थम ताबत विभजते, इसलिए अहम शब्द के अर्थ को विभाग करते हैं। इस अभिप्राय से कहा सुनो, इस अभिप्राय से कहा सुनो, है ना। अहमह मतलब अहम शब्द से इत्यर्थ, अहम शब्द के अर्थ कितने हैं? अहम शब्द के अर्थ कितने हैं? तीन, एक हो गया मुख्य, दो हो गया अमुख्य हो गया, ठीक है। कैसे मुख्य, कैसे दो अमुख्य, आगे पढ़ते समझ में आएगा। 10 नंबर श्लोक देखो, किदृशो मुख्य अर्थ इति आकांक्षायाम तम दर्शयति, है ना, कि अहम शब्द का एक है मुख्य अर्थ। भाई कैसे, किस प्रकार होता है? ऐसी आकांक्षा होने पर, आकांक्षायाम कहाँ की विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन आकांक्षा का, रमा शब्द का रमायाम, रमा शब्द का रमायाम नहीं, और सुजाता शब्द का सुजातायाम, वो सुन रहे ना इसलिए बोल रहा हूँ, और आकांक्षा का आकांक्षायाम आकांक्षा होने पर, आकांक्षा होने पर ताम दर्शयति, उसको दिखा रहे हैं। 10 नंबर में देखो, अन्योन्याध्यास रूपेण कूटस्थाभासयोर्वपुः एकी भूय भवेन मुख्यस् तत्र मूढ़ै प्रयोज्यते। देखो बढ़िया कह रहे हैं, कहते हैं कि कूटस्था भाषयो हो बपुहु,
अनोन्याध्यास रूपेण एकीभूय भवेत मुख्यः, ऐसा उन्होंने करना है। ठीक है, क्योंकि एक कूटस्थ अंश होता है, एक चिदाभास अंश होता है। क्या होता है? एक कूटस्थ अधिष्ठान अंश और एक चिदाभास अंश होता है। और विचार जब नहीं करता है ना, दोनों को एक मान लेता है। चिदाभास हो गया कल्पित अंश, और उसमें अधिष्ठान अंश सत्य अंश हो गया। सर्प यह नहीं, सर्प यह, सर्प और यह को अलग अलग मानता है क्या? अध्यास अवस्था में, अविद्या अवस्था मानता है? नहीं मानता है। सर्प और यह को एक करता है। समझ में आया? इस प्रकार मैं बोलता है ना, तो मैं में दो अंश है, एक अधिष्ठान चित अंश और एक चिदाभास अंश। अधिष्ठान तो कूटस्थ हो गया, साक्षी हो गया, अधिष्ठान हो गया नहीं, और उसमें एक चिदाभास अंश है, अहंकारा वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चेतन अंश है, एकदम दूध और पानी की तरह एक जैसा हो जाता है, एक होता नहीं एक जैसा। इसलिए बोले कूटस्थ आभासयो। ठीक है ना, कूटस्थ अधिष्ठान हो गया, चिदाभास हो गया, कल्पित अंश हो गया, और दोनों का बपु हो, मतलब दोनों को एक मानना जो स्वरूप, बपु का अर्थ स्वरूप, एक ही भूया एक करके। और एक कैसे होगा? दूध और पानी में तो एक हो सकता है दूध और पानी में तो संबंध बन सकता है भाई, ये कूटस्थ और चिदाभास में एक कैसे हो जाएगा? है ना, एक तो चेतन है एक तो जड़ है। बोलते अरे भी हो जाता है, अन्योन्याध्यास रूपेण, अन्योन्याध्यास हो गया ना, अध्यास हो गया ना, क्या हो गया? अध्यास हो गया है ना। रज्जु और सर्प एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन अध्यास से हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना। इसी प्रकार चीत और जड़ का संबंध कैसे बनेगा? ब्रह्मसूत्र में खूब विचार किया हम लोगों ने, खूब विचार किया ब्रह्मसूत्र में, अध्यास भाष्य इसी के लिए, इसी के लिए ही पूरा अध्यास भाष्य है। बराबर है कि नहीं? फिर भी विवेक न होने पर दोनों में अध्यास हो जाता है। सर्प को यह मान लेता है, यह को सर्प मान लेता है, नहीं होता है? इसी भी अगर चिदाभास को मैं मान लेता है कूटस्थ, और कूटस्थ को चिदाभास मान लेता है, एकदम एक अध्यास। अध्यास से एक करके, एक मान कर, एक होता नहीं, एक मान करके भवेत मुख्य, ये हो गया आम शब्द का मुख्य अर्थ। तो आम शब्द का मुख्य अर्थ कौन हो गया? कूटस्थ और चिदाभास को माना, एक मान करके जो स्वरूप हुआ, समझ में नहीं, वो होता है अहम शब्द का मुख्य अर्थ। क्यों अहम शब्द का मुख्य अर्थ हुआ? गौण क्यों नहीं मानते हो? अरे भाई इसी में ही तत्र मूढ़ ही प्रयोजित, अरे मूल लोग इसी को ही मैं मानते हैं ना। तुम कौन हो? अरे मैं हूँ, मैंने किया, बोलते कि नहीं बोलते? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, बोलते कि नहीं? हाँ, तो मैंने किया बोलते हैं झट से। किसने किया? मैंने किया। छाती को ठोक कर बोलते हैं मैंने किया। तो मैंने कहने से क्या हुआ? दोनों को मिला करके बोलता है, चिदाभास को और कूटस्थ अंश को मिला करके वो कहता है। तो यहाँ पर कोई विचार करता है क्या? बोलो, झट से बोलता है ना, बिना विचार से जो प्रयोग होता है ना वो मुख्य अर्थ है। सब लोग विचार कहाँ कर पाते हैं इसलिए बोलता है जो है ना, तत्र मूढ़ प्रयोज्यते। इसलिए यही है कूटस्थ और चिदाभास को मिला करके जो अर्थ हुआ ना, ठीक है ना भाई, उसी में ही मूढ़ मूढ़ लोक के द्वारा अहम के रूप से प्रयोग किया जाता है। इसी को मैं मानते हैं, विचार न करने पर अध्यास करके इसी को ही मैं मानते, इसलिए ये हो गया मुख्य अर्थ। किस शब्द का? अहम, मैं शब्द का। ठीक है, इसलिए तो कहा, देखो भाई भगवान ने कहा कि नहीं, कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, और यततम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। मेरा जो वास्तविक स्वरूप क्या है? कूटस्थ स्वरूप। ये चिदाभास से कूटस्थ को अलग करके मैं, सब लोग कहाँ मानते हैं, कहाँ जान पाते हैं? कोई कोई, समझ में नहीं?
चिदाभास से कूटस्थ को अलग करके कूटस्थ ही मेरा स्वरूप है, कहाँ सबको भान हो पाता है, समझे कि नहीं। वेदांत सुनने पर जो नहीं हो रहा है तो न सुनने वाले को क्या होगा, सुन है वेदांत सुन करके भी शरीर को सजाने में जो लगे हैं, क्या समझे, क्या मुक्त न्याय से बोल रहा हूँ, वेदांत सुन करके भी शरीर को सजाने में लगे हैं और वैराग्य का व्याख्यान कर रहे हैं, उनका जब अध्यास नहीं जा रहा है क्या, उसका जब अध्यास नहीं जा रहा है तो बाकी लोगों का क्या कहना है, क्या मुक्त न्याय होगी कि नहीं होगी। ये कहा कि नहीं पूर्व श्लोक में, कहाँ पर कहा, 8 नंबर श्लोक में कहा ब्रह्म अंश हो गया शरीर चिरावास, उसका तिरस्कार नहीं कर पाते ना सब लोग कि नहीं, ये शरीर मिथ्या है, ऐसा मिथ्यात्व का निश्चय कहाँ होता है, मिथ्यात्व का निश्चय हो गया तो शरीर को सजाने में रहेगा वो, बोलो। हाँ शरीर को साधन के रूप से भले ही करके शरीर के पोषण में नहीं लगेगा वो, ठीक है चलो अच्छा टीका देख लो, कूटस्थ चिदाभासयोः स्वरूपम्। कूटस्थ और चिदाभास का स्वरूप मतलब क्या, मिला करके अनन्याध्यासेन ऐक्यम प्राप्तम अहम शब्दस्य वाच्यत्वेन मुख्य अर्थ भवति, सरल है ना। कूटस्थ अधिष्ठान हो गया, चिदाभास मिथ्यांश, दोनों को अन्योन्याध्यास करके जो हुआ यही हो गया अहम शब्द का वाच्यार्थ, समझ में ना भाई। अस्य कुतो मुख्यत्वम, इसको मुख्य अर्थ क्यों कहा जाएगा अहम शब्द का, क्योंकि सब लोग उसी को मैं मान रहे इसलिए कहा तत्र मूढ़े यतः, इतना अध्याय का क्योंकि, है ना, तत्र से पहले किसका अध्याय करो, यतः का, यतः क्योंकि, है ना, तत्र मतलब उसमें किस में, तत्र का तस्मिन मतलब स्वरूपे, किस स्वरूप में, बोलते हैं कि अविविक्त कूटस्थ चिदाभास जो, समझ में है ना, कूटस्थ और चिदाभास जो है ठीक है नहीं, उसको एक माल करके जो स्वरूप हुआ, दोनों को ऐसे खिचड़ी बना दिया, है ना। हाँ इसलिए कोश वो आत्मा को अनात्मा, विवेक चूड़ामणि में कहा ना कि भगवान गुरुदेव यही मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा कौन है और अनात्मा कौन है, इसी में तो लगे हैं ना, बल्कि इसका दोनों का विवेक कैसे करोगे, ये तो दोनों जैसे खिचड़ी बन गई, दाल और चावल कि नहीं, दाल और खिचड़ी बनने से पहले दोनों को अलग कर सकते हो, किसको, दाल और चावल को, आ खिचड़ी बन गई तो कैसे अलग करोगे, हम खुद ऐसा लग रहा है गुरुदेव, हाँ ये दोनों की क्या होगी, खिचड़ी जैसे पक गई है कि नहीं इसलिए बोलते हैं यथावल विज्ञान विवेक ज्ञान सुनने ही, विवेक रूपी ज्ञान नहीं होता है ना, विवेक रूपी ज्ञान नहीं होता है, विचार नहीं करता है ना, विचार नहीं करेंगे तो विवेक रूपी ज्ञान कहाँ होगा, व्याख्यान करने से होगा, व्याख्यान करने मात्र से नहीं होगा, विचार करना पड़ता है, विचार जब नहीं करोगे तो विवेक रूपी ज्ञान नहीं होता है। विवेक ज्ञान सुनने ही सर्वैरपि, सारे जितने भी है विवेक ज्ञान से शून्य है, कोई भी हो, देखो सर्वे कह दिया ना टीकाकरण ने कह दिया सर्वे, जिसको विवेक ज्ञान नहीं हुआ सब लोग इसी को ही मैं मानते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सब इसी को मानते हैं जब विवेक नहीं हो रहा है तो, कि नहीं। हाँ इसलिए अहम शब्द प्रयुज्यते, इसलिए अतः अस्य मुख्यतम, इसलिए अहम ऐसे मैं जो हो रहा है ना, तो मैं शब्द का मुख्य अर्थ कौन हुआ, कूटस्थ सत्य स्वरूप चिदाभास मिथ्या स्वरूप, दोनों को मिला करके जो हुआ उसी को मैं मानते, यही है मैं शब्द का अर्थ हुआ, मुख्य अर्थ हुआ। आगे दो अर्थ अमुख्य है, आगे दो अर्थ अमुख्य कहेंगे वो कौन करेगा, ज्ञानी करता है, ज्ञानी के लिए अहम शब्द के अर्थ दो होगा, समझ में, ये अगले श्लोक से बताएंगे। जब जिससे व्यवहार नहीं करता है, जिससे व्यवहार नहीं करता है ज्ञानी, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, ये मुख्य अर्थ है, ये क्या बोलते हैं, वो है कूटस्थ अंश जो है ना,
उसी को मैं मानता है। जिस समय वो अनुभव करता है ना क्या है, मैं ब्रह्म हूँ, तो अहम शब्द का मुख्य, अहम शब्द का अर्थ वहाँ पर कौन है, कूटस्थ चेतन होगा। अधिष्ठान को वहाँ पर मैं करके अनुभव करता है, समझ में कि नहीं। और जब व्यवहार करने लगता है कि नहीं, कोई कोई पूछेगा हैं तो भाई आपका नाम क्या है, तो क्या बोलेगा, कूटस्थ को पूछ रहे हो कि शरीर को पूछ रहे हो, क्या हुआ, ऐसा बोलेगा कि ज्ञानी हो, नाम बता देगा, गोत्र ही बता देगा, गृहस्थ हो तो गोत्र बता देगा। तो वहाँ पर चिदाभास को मैं मानता है, वहाँ पर क्या है, चिदाभास जो कल्पित है ना, तो उसी को मैं मानता है, नहीं वो आत्मा, इसको बाध बाधित करके चिदाभास को मैं मान करके व्यवहार करता हूँ, समझा कि नहीं। भिक्षाटन करेगा वो, भूख प्यास लगना किसका है, प्राण का धर्म है, चिदाभास का धर्म है कि नहीं, ऐसा वो समझ करके नारायण हरि भिक्षा दे दो बोलता है, ऐसा समझ में नहीं, ये व्यवहार ठीक है। इसलिए ज्ञानी के लिए अहम शब्द का अर्थ दो है ये कहेंगे, ठीक है, एक कूटस्थ चेतन और एक केवल चिदाभास, अधिष्ठान को छोड़कर चिदाभास, ठीक है, ये अगले श्लोक से कहा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।